नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं क्या दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने दांत निकलवाएंगे तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो क्या दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी सच में कम होती है? इसका आंसर है नो, अ बिग नो। दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी पे कोई असर नहीं होता। हम समझते हैं कि लोगों को ऐसा लगता क्यों है। पुराने जमाने में जो दांत निकालने का जो तरीका था कि बिना किसी एनेस्थीसिया के ऐसे ही दांत पकड़ के खींच देते थे, कई बार तो दांतों की जड़ें अंदर रह जाती थी जो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाती थी। इतना पेनफुल होता था कि पेशेंट का बीपी शूट अप हो जाता था, जिससे कई बार जो ऑप्टिक वेसल्स होती थी वो बर्स्ट हो जाती थी, जिससे शायद आंखों की रोशनी चली जाती होगी। तो इसलिए ये मिथ आई। लेकिन आजकल के सिनेरियो में विद द एडवांसमेंट ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस, हम जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हैं, एंटीबायोटिक कवरेज में दांत निकालते हैं, प्लस हम जो एनेस्थीसिया देते हैं जिससे पेशेंट को पेनलेस एक्सट्रैक्शंस होते हैं, जिससे ये सब चीजें नहीं होती, आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर नहीं है कि दांत निकलवाने से आंखें चली गई हैं। अगर एक दांत जो निकलवाने लायक है अगर आप उसे नहीं निकलवाते हैं तो फिर ये आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकता है। वो इन्फेक्शन सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन कैन ट्रेवल टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और वो डेंजरस होगा। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगी जिस कारण से मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दांत निकलवाने से आंखें नहीं जाती। लास्ट 15 साल से हम लोग दांत निकाल रहे हैं और आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। ये तो हुई मेरी बात, प्लस मेरे जितने स्टाफ थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्होंने भी अपनी हिस्ट्री में ऐसा कोई केस नहीं देखा। तो यही इसका प्रमाण है। तो अगर आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आप एक्सट्रैक्शन कराएं, तो अगर इंडिकेटेड है तो एक्सट्रैक्शन कराइए, अगर इंडिकेटेड नहीं है, दांत बच सकता है, तो अपने डेंटिस्ट को बिल्कुल फोर्स मत करिए कि वो आपका एक्सट्रैक्शन करें। बहुत सारे पेशेंट टाइम बचाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में भी एक्सट्रैक्शन करवा देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो जहां जो ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है वो कराना चाहिए और किसी भी भ्रांति को ऐसे ही सुन के मान नहीं लेना चाहिए। उस भ्रांति से जुड़े कारणों को सर्च करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, तभी उस बात को मानना चाहिए। तो ये था आज का ब्रेक द मिथ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर हिट करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।